हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी। माई फ्रेंड्स, आज हम आप सभी इस वीडियो के माध्यम से भी हाल ही में चल रहे 11th क्लास के त्रैमासिक एग्जाम के बारे में, इस हिंदी सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपके हिंदी का किस प्रकार का पेपर आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। कबीर की भाषा को कहा जाता है, इसमें आप लोग ब्रजभाषा, परिष्कृत भाषा, अवधी भाषा या सद्वक्कड़ी, पथमेर खिचड़ी कहा जाता है। तो इसमें शायद आप लोगों का राइट आंसर 4 है। इसमें आप लोगों को केवल और केवल अभी आप लोगों का क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है। यदि आप लोग इसमें आंसर सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट बहुत इजी पेपर होता है, आप लोग इसमें से खुद से सॉल्व कर सकते हैं और खुद से आप लोग कुछ के आंसर तो बहुत सारे के आंसर आपको याद होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर इसका आंसर शीट प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है। हाँ, यदि किसी को दिक्कत आती है आंसर शीट में कि किसी से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में करिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप लोगों को उसमें पूरा सलूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है खालिस्तान। खालिस्तान में भी आपके 6-7 खालिस्तान है, जिसमें से आपको 7ों में आप लोगों को ऑप्शन भी दिए गए हैं, 2 में से किसी एक ऑप्शन को चुनकर आपको इसमें विकल्प लेकर भरना है। बहुत अच्छी बात है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ये तो बहुत ईजी हो गया। इसमें आप लोगों के लिए ऑप्शन दे दिया गया खालिस्तान में, तो ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आप लोगों का सत्यसत, इसमें आप लोगों के 6 सत्यसत्य हैं, इसमें से आप लोगों को 6 को 6 को करना है, जिसमें सत्यसत्य जो भी हो आप लोगों के यहाँ पर, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, आप लोग जिन्होंने भी पढ़ा होगा हिंदी सब्जेक्ट को 11वीं में, उनसे हिंदी बहुत अच्छी तरह से बनती होगी और इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आता भी होगा। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट है आपका जोड़ी। आप लोगों की जोड़ी में आपके 6 क्वेश्चन है, 6 में आप लोगों को 7 दिए गए हैं, जिसमें से 1 नहीं होगा, 6 के 6 ही आंसर होंगे, तो इसमें से आप 7 में से किन्हीं 6 राइट आंसर को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर 5 नंबर में, 1 शब्द में या 1 वाक्य में उत्तर देना है। इसमें आप लोगों का देख लेना कि मीराबाई अजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती रही, तो इसमें तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा, प्रेम रतन धन पायो वाला सिस्टम, उसमें तो आप लोग जानते हैं कि राम रूपी। ठीक है, इसमें मीराबाई ने, और ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है आप सबको पता होगा, बहुत दिनों बाद देखना, ईद का चांद हो गया, नहीं बोलते अरे तुम तो ईद के चांद हो गए, इतने दिन कहाँ थे, है ना, जिसका आप लोग सही अर्थ लिख सकते हैं। इसी तरह आप लोग इसमें आप लोगों के हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि भक्ति काल को स्वर्णिम क्यों कहा जाता है, मीराबाई ने कृष्ण की भक्ति किस रूप में की थी, तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर इसका पता चल गया होगा कि 1 वाक्य या 1 शब्द में राइट आंसर क्या होगा इसका, कृष्ण भक्ति की थी। ठीक है, मीराबाई ने किसकी, कृष्ण भक्ति की थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनसंचार के प्रमुख 2 माध्यमों के नाम लिखिए आप लोगों का, या फिर छायावादी का आपके आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। ठीक, 8 नंबर है मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर, छित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। आप लोग यह फॉर्मूला या श्लोक याद रखिएगा, इसमें आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा, छित जल पावक गगन समीरा। ठीक है, आंसर नंबर 8 का आप लोगों को राइट आंसर पता चल गया होगा। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं या सुमित्रानंद पंथ निराला छायावाद के साथ साथ और किस बात से जुड़े हुए इसका आंसर। ठीक है, आंसर नंबर 11 की हम बात करें कि पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, विचरण यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, विचरण होना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ पर विचरना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12वां नंबर की जनसंख्या के आधुनिक माध्यम कौन कौन से है। ठीक है, 13 नंबर है आपका इसी में कि महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाले वाचक कौन थे, या फिर विश्व का प्याला राणा जी ने भेजा पीबक मीरा हंसरे पंक्ति का भाव क्या था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर है कि डायरी लिखने से आप क्या समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का कि कुएं की खुदाई चिनाई करते समय औजारे अपने सिर पर टोपी क्यों पहनते हैं, है ना, तो यहाँ पर आप लोगों को इसका राइट आंसर लिखना है, या फिर न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, वह जैसे चाहे नचाती है भाव लिखिए, इसका स्पष्ट आपको अर्थ देना है। ठीक है, 16 नंबर का है कि कबीर अथवा मीराबाई की साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष तथा साहित्य में स्थान के बारे में लिखना है, इन 4ों पॉइंट के बारे में 3 नंबर का है। ठीक है, जिसमें आपको 2 रचनाएं भावपक्ष कलापक्ष तथा साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, इसी तरह 17 नंबर में प्रेमचंद या फिर शेखर जोशी का साहित्यिक जीवन परिचय लिखना है, जिसमें रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, 18 नंबर की हम बात करें कि बिरादरी का यही सहारा होता है, गलता लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दिए, किसने किससे कहा, किस प्रसंग में यह कहा गया और क्या यह कथन सार्थक रहा, इसमें आप लोगों को इसमें आंसर देने। ठीक है, अब आप लोगों का आता है अपठित गद्यांश, इसको पढ़कर आप लोगों को इनका आंसर देना है, तो ये तो बहुत इजी होता है, सभी लोग इसको पढ़कर इसका राइट आंसर दे पाते हैं, आप लोग भी आंसर का इसका राइट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का इसी में, नेक्स्ट आप लोगों का आ जाता है उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक आप लोग लिख लीजिएगा, 20 नंबर। ठीक है,
20 नंबर में आपका क्या आएगा, इसमें आप लोगों की जो आप लोगों की कविता दी हुई है और इस कविता से आपको आंसर ढूंढकर लिखना है, ठीक है, 20 नंबर का। इसके बाद आपका 21 जो आएगा, 21 में आपका एक एप्लीकेशन है, और उसके बाद 22 नंबर जो है आपका निबंध है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पर पूरा पेपर होगा, 11th वालों का पूरा पेपर हमने आपको यहाँ पर बता दिया, और यदि कोई डाउट होता तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा, आपको पूरे आंसर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहला प्रयास आप खुद करिएगा कि आप लोग खुद से आंसर ढूंढें और खुद से आंसर लिखें, इससे आप लोगों का अभ्यास भी होगा और आगे आपको बहुत काम भी आएगा, ठीक है। उतार लेने से कोई मतलब नहीं होता, आप लोग उतार लीजिए वीडियो से कोई मतलब नहीं, ठीक है, आप लोग सीधा सीधा उतार लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं, अपने से कुछ ढूंढेंगे तो कुछ और अन्य बातें भी जानने को मिलेगी, इसलिए हमने आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे इसी तरह के सबसे लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। और एक बात और है, यदि आप कंपटीशन की आगे तैयारी करना चाहते हैं तो इस आप लोगों को इस YouTube चैनल पर कंपटीशन से रिलेटेड भी आप लोगों की सभी जानकारी दी जाती है, तो चैनल में बने रहने के लिए बेल आइकन को उठाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।